दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो, नई जानकारी लेके महाजीर भी हैं। दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, बड़ा मोटिवेशनल है और बड़ा ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है ये जल मुर्गी की कहानी है। प्रिय दर्शकों, इस पक्षी को आपने हर जगह देखा होगा। ये पक्षी गांव बस्ती के आसपास अक्सर रहता है। जिस स्थान पर लोगों का निवास होता है उसी स्थान पर ये पक्षी अक्सर पाया जाता है। प्रिय दर्शकों, आज इसी पक्षी के बारे में कुछ रोचक तथ्य हम आपको बताने जा रहे हैं, कुछ रोचक कहानियां हम आपको सुनाने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ये पक्षी बड़ा समझदार होता है। एक मनुष्य की भांति ये पक्षी सब कुछ सोचने समझने की शक्ति रखता है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को पूरा सुनिएगा। जिन घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, प्रिय दर्शकों, वो लोग यदि इस कहानी को सुनते हैं तो उनके घर के झगड़े समाप्त हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी आपको यही बताने वाली है कि मनुष्य के घर में आए दिन लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, हर वक्त कलह उत्पन्न क्यों रहता है। प्रिय दर्शकों, यदि ये पक्षी कहीं भी आपके आसपास रहता है तो आपने देखा होगा कि ये पक्षी बड़ा शांत स्वभाव का होता है। ये पक्षी किसी से भी लड़ाई झगड़े नहीं करता है। अन्य और विभिन्न प्रकार के पक्षी एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं, लेकिन ये पक्षी ऐसा होता है, ये लड़ाई झगड़े से दूर रहता है। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय की बात है, एक तालाब के किनारे जल मुर्गी का जोड़ा बैठा हुआ था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सर्दियों का मौसम था। तभी दोनों पति पत्नी में किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है। जल मुर्गी अपने पति से नाराज हो जाती है। अब जल मुर्गी का पति अपनी बीवी को मनाने की कोशिश करता है, पूरा यत्न करता है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानती, अपना मुंह फुला के बैठ जाती है। तब जल मुर्गी का पति अपनी बीवी से कहने लगता है कि प्रिय, यदि तुम इस तरीके से नाराज रहोगी तो मेरा क्या होगा, इस बारे में जरा सोच के बताइएगा। प्रिय दर्शकों, तब जल मुर्गी अपने पति को उत्तर देती है कि भाड़ में जाओ तुम, मुझे कोई मतलब नहीं है। प्रिय दर्शकों, तब जलमुर्गी का पति एक छोटी सी कहानी जलमुर्गी को सुनाता है और कहता है कि प्रिय, इस कहानी को ध्यान से सुनिए। प्रिय दर्शकों, तब जलमुर्गी का पति कहानी शुरू करता है और कहता है कि प्राचीन काल समय में एक नगर में एक बेनी माधव सिंह ठाकुर रहता था। उनका वर्चस्व चारों तरफ गूंजता था। उनके घर में एक पढ़ी लिखी औरत आ जाती है जिसका नाम आनंदी था। आनंदी एक बड़े घर की बेटी थी, परंतु जहां उनका विवाह होता है वह घर उनके मैं के जैसा नहीं होता है। वह हर घर के हिसाब से अपने आप को ढाल लेती थी। बिना किसी शिकायत के हर एक दिन कुछ ऐसा हो जाता था कि वह सहन नहीं कर पाती थी। ऐसा क्या होता था, अब ये जानने के लिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा। प्रिय दर्शकों, बेनी माधव सिंह गोरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी एक समय बड़े धन धान्य से संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत होना भी मुश्किल था, इन्हीं के बड़े बुजुर्गों के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं कि इस दरवाजे पर हाथी घूमा करते थे, अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस बंधी रहती थी जिसके शरीर पर अस्थि पंजर के सिवा और कुछ नहीं था, पर वह दूध शायद बहुत देती थी क्योंकि एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति को वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह, धोरे बदन का।
सजीला जवान था, भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती। भैंस का दो सेर ताजा दूध सुबह उठकर सवेरे पी जाता था। प्रिय दर्शकों, श्री कंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने बीए हिंदी के अक्षरों पर न्योछावर कर दिया था। इन दो अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। इससे वैद्य ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था, आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे उनके कमरे से प्राय खरल की सुरलीकरण मधुरी ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखा पड़ी रहती थी। प्रिय दर्शकों, अब उनके घर में एक पढ़ी लिखी औरत आ जाती है। आनंदी से ठाकुर साहब के बड़े बेटे का विवाह हो जाता है। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके पिता एक छोटी सी रियासत से ताल्लुक रखते थे। विशाल भवन, एक हाथी, तीन कुत्ते। उनके पिता बहुत विद्वान थे, नाम था भूप सिंह। बड़े उद्धारचित और प्रतिशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी नहीं था। सात लड़कियां हुई और दव्य योग से सब जीवित रही। पहली उमंग में तो उन्होंने तीन विवाह दिल खोल कर किए, पर 15-20 हजार रुपये का कर सिर पर हो गया तो आंखें खुली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। वे अपनी सब बहनों में अधिक रूपवंती और गुणवंती थी। इसी ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करे, न तो यही चाहते थे कि शरण का बोझ बढ़े और नहीं ये स्वीकार था कि उसको अपने आप को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्री कंठ उनके पास किसी चंदे का रुपये मांगने के लिए आते हैं। शायद नगरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्री कंठ सिंह का आनंदी के साथ विवाह हो गया। जब आनंदी अपने नए घर में आई तो वहां का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस प्रकार के टिम टाम की उसे बचपन से आदत पड़ी हुई थी, भैया नाम मात्र को भी नहीं थी। हाथी और घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक नहीं थी। रेशमी स्पिलर पर साथ लाई थी, पर यहां बाग कहां, मकान में खिड़कियां तक नहीं थी, न जमीन पर पर्स, न दीवार पर तस्वीरें। ये एक सीधा साधा देहाती गृहस्थी का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को नई व्यवस्था में ऐसे अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के समान कभी देखे ही नहीं थे। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह दो चिड़िया लिए हुए आया और भावत से बोला कि जल्दी पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देखती रही। अब वे नया व्यंजन बनाने बैठी तो हांडी देखा तो घी पाव भर से अधिक नहीं था। बड़े घरों की बेटी विकायत क्या जाने, उसने सब घी को उन चिड़िया को बनाने में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठे तो दाल में घी नहीं था, तो बोला कि दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा। आनंदी ने कहा कि सब घी खत्म हो गया है। लाल बिहारी जोर से बोला, और घी इतना जल्दी खत्म कैसे हो गया। आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर ही था, वे सब मैंने इसमें डाल दिया है। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह धुआं से बावला मनुष्य जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को अपनी भावज की ये ठिठाई बहुत ही बुरी मालूम हुई और तिनक कर बोला, स्त्रियां गलती सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर अपने मैके की निंदा उससे नहीं सही जाती। तब आनंदी मुंह फेर कर बोलती है, हाथी मेरा भी तो है, 9 लाख का है, वह इतना कि नित्य नाई खाकर जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है जी पकड़ कर खींच लो। लाल बिहारी की इतनी बात सुनने के बाद आनंदी को भी क्रोध आ गया। इसी तरह से घर में कलह होना शुरू हुआ और धीरे धीरे झगड़ा वहां तक बढ़ जाता है कि दोनों में एक तरीके से दुश्मनी पैदा हो जाती है। समझाने वाले काफी कोशिश कर चुके थे, लेकिन उनका घर का झगड़ा अभी समाप्त होने वाला नहीं था। लाल बिहारी बात बात पर अपनी भावज को उल्टी सीधी बातें कहता।
प्रिय दर्शकों, जब दोनों के परिजन एक साथ बैठते हैं तो दोनों से अपनी अपनी मूर्खता की बातें पूछने लग जाते हैं। तब दोनों अपनी अपनी मूर्खता की बातें बताते हैं तो सबसे बड़ी गलती लाल बिहारी की आती है। तो सभी लोग लाल बिहारी से कहते हैं कि अब तुम्हें माफी मांगनी होगी। तब लाल बिहारी अपनी भावस से माफी मांगता है और उसके बाद उनके घर के झगड़े समाप्त हो जाते हैं। लाल बिहारी की भावज भी बड़ी समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, वो भी उन्हें माफ कर देती है। तब बेनी माधव अपने पुत्र से कहते हैं कि बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। और बेनी माधव अपनी बहू से भी कहते हैं कि बेटा, बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भी भूल हुई है उसे तुम क्षमा कर दो। इसी प्रकार उनकी घर के झगड़ा समाप्त हो जाता है। प्रिय दर्शकों, अब जलमुर्गी को ये बात बिल्कुल समझ में आ जाती है और उनका भी झगड़ा समाप्त हो जाता है। प्रिय दर्शकों, आज की स्टोरी यहां समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।